वड़कम एवरीवन, जो हैप्पीनेस मेरे फेस पे आप देख रहे हैं वो दो रीजंस है। पहली ये कि आई एम इन चेन्नई एंड मुझे लुक एंड फील काफ़ी अच्छा लगता है सिटी का। दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम, बट स्टिल सेकेंडली इसलिए बिकॉज आई एम एट अ वेरी ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी लीला चेन्नई। मेरे लेफ्ट साइड में बे ऑफ बंगाल ओशियन है और मेरे सामने इस स्वीट से, जो कि एग्जीक्यूटिव स्वीट है, इससे हमें चेन्नई सिटी का व्यू मिलता है। तो इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि हमारे बाकी वीडियोस में देखने को मिलता है, रेस्टोरेंट्स, रूम टूर, वेरियस रूम कैटेगरीज। तो प्लीज एंजॉय करिए वीडियो को एंड बी विद मी टिल दी एंड। रूम विच इज़ द एग्जीक्यूटिव स्वीट और थोड़ी अच्छी बहुत सुंदर सी लॉबी है, उसी के थ्रू आप जाते हो। ओके फ्रेंड्स, सो फाइनली वी आर इनसाइड द स्वीट चेन्नई। मैंने बहुत सारी नॉर्थ की प्रॉपर्टीज तो कवर की हैं बट चेन्नई आई एक्चुअली वॉन्टेड टू कवर। सो दिस इज द फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ द रूम विच यू गेट। स्टार्टिंग की अगर मैं बात करूँ तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वर्क डेस्क एरिया। लेट मी टेक अ सीट टू एक्सप्लेन यू। वर्क डेस्क एरिया में लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक पॉपअप निकल आता है। यहाँ पे आपको चार्जिंग पॉइंट्स दिख रहे होंगे, वीजीए पोर्ट है और एक ऑडियो पोर्ट है। इसको मैं बंद कर देता हूँ। ये एक फ़ोन है, प्लीज़ आप खुद इसको डिकोड करिएगा और मुझे बताइएगा कि इसमें फंक्शनैलिटीज़ क्या क्या दी हुई हैं, बिकॉज बहुत कुछ है इसमें। नीचे आऊँ तो जो पहला ड्रॉअर है हमारा, ये एक ट्रैवल प्लानिंग गाइड है जिसमें बहुत सारे होटल्स मेंशन है। इसको देख के मुझे अपनी 10th 11th 12th की टेक्स्ट बुक्स याद आ गई, इसलिए मैंने जिसको जैसे उठाया वैसे ही रख दिया, बट मे बी आपको हम यूज़ करें। बहुत सारे होटल्स हैं इसमें। और ये हमारा एक प्राइवेट डाइनिंग मेन्यू है, इसमें इन्होंने डिटेल्स लिख रखी है। यहाँ से एक्सप्लेन करूँ मैं आपको, तो ये लैंड पोर्ट दे रखी है और इसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रखी है कि इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, इसको पढ़ लीजिएगा। देखिए, लैन केबल मैंने बहुत ही कम होटल्स में देखी हुई है, बिकॉज आजकल सब लोग लैपटॉप्स कैरी करते हैं और वो भी बिजनेस प्रॉपर्टीज़ में तो स्पेशली, तो दिस इज़ अ वेरी गुड टच। मैं टेबल की बात करूँ तो काफ़ी ग्रैंड सी टेबल है, मार्बल इंग्रेविंग कर रखी है इन्होंने वुड में। जब मैं टेबल पर बैठता हूँ तो मुझे ऐसा फील आता है कि जैसे आई विल बी साइनिंग समथिंग विट विल चेंज द फेस ऑफ द कंट्री, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये मिस्ट्री बॉक्स में से ऐसा ही कोई डॉक्यूमेंट निकलेगा, बट इसमें नॉर्मली हमारे पास जो चीज़ें होती हैं ऑलमोस्ट वैसी सी ही हैं। पोस्ट कार्ड, एक एनवेलप और यहाँ पे हमारे पास राइटिंग पैड है, एक पेंसिल दे रखी है हमको और पेन दे रखा है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, मुझे वर्क डेस्क इसलिए भी बहुत अच्छी लगी बिकॉज जो सीनिक व्यू सामने आता है और जो लेफ्ट में आता है वो भी काफ़ी अच्छा फील ऐड कर देता है। तो आई बिलीव आप काम लेकर आइएगा जो कि आप यहाँ पर बैठ के कर सकते हैं। कर्टन्स में आपको सबसे पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये हमारा टिशू कर्टन है, थोड़ा बहुत लाइट ब्लॉक कर देता है, ट्रांसलूसेंट सा फील देता है। और ये हमारा मेन कर्टन है, दो कर्टन्स को वेलक्रो से जोड़ दिया इन्होंने। इस विंडो से आपको बाहर अरेबियन बे ऑफ बंगाल का सॉरी व्यू मिलता है और सामने आपको फ्रूट्स, चॉकलेट्स और कुकीज़ मिल जाएंगे। देखिए, इन्होंने यहाँ पे ये लिख रखा है, फ्रेश फ्रूट्स विल बी सर्व्ड ऑन रिक्वेस्ट विद आर कॉम्प्लीमेंट्स, प्लीज़ कॉन्टैक्ट प्राइवेट डाइनिंग टू प्लेस अ रिक्वेस्ट। प्राइवेट डाइनिंग का एक अलग बटन दिया हुआ है हमारे फोन में, तो आप उसको क्लिक करके एंड यू कैन आस्क देम द सेम। देयर इज अ नॉन स्मोकिंग गेस्ट रूम, दिस इज अ नॉन स्मोकिंग गेस्ट रूम, अ सैनिटेशन फी ऑफ ₹20,000 विल बी एडेड, तो ₹20,000 लग जाएंगे। तो प्लीज़ बाहर स्मोक करिएगा, इनकी बालकनी भी नहीं खुलती है, तो इस इल्यूजन में मत रहिएगा कि पीते पीते बाहर निकल जाएंगे, आपको नीचे जाना पड़ेगा। फ्रूट्स आप अपने हिसाब से दोबारा रिफिल करा लीजिएगा, दैट्स नॉट एट ऑल एन इशू। लेट मी एक्सप्लेन यू द मिनी बार सेक्शन नाउ। आजकल मिनी बार ऑन रिक्वेस्ट रिप्लेनिश होता है, तो हमने कराया है आपको दिखाने के लिए। मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, पहला ड्रॉअर तो खाली है। लेट मी ओपन द लेफ्ट साइड ऑफ द सेक्शन। सबसे पहला जो ड्रॉअर है उसमें आपको देखने को मिलते हैं मिनिएचर्स, बीफ एटर जिन, एब्सोल्यूट वॉडका, शिवाज रीगल, ग्लेनलिवेट और रेमी मार्टिन, कॉग्नैक शैम्पेन है, ये रेड वाइन है हमारी। और इसके अलावा हमारे पास तीन टाइप के ग्लासेज हैं, वाइन, कॉकटेल या फिर जूस के लिए और विस्की के लिए। यहाँ पे असॉर्टेड नट्स हैं जिसमें कैशियोज, आलमंड्स और पिस्ताचियोज का मिक्सचर है, दो चिप्स के पैकेट हैं और फेरेरो रोशर चॉकलेट है। प्लेट्स रहते हैं मिनी बार के।
ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री टी सेक्शन है। टी के ऑप्शंस की बात करूँ तो हमारे पास जैस्मिन ब्लॉसम ग्रीन टी है, इंग्लिश ब्रेकफास्ट ब्लैक टी है, दार्जिलिंग ब्लैक टी है, ग्रीन सेंशा ग्रीन टी है, अर्ल ग्रे ब्लैक टी है और असम ब्लैक टी है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक केटल है, दो कप्स दिए हुए हैं एंड शुगर सैशेज विद कॉफ़ी। एंड फाइनली अगर मैं इसको खोलूँ तो यहाँ पे मिनी बार फ्रिज है हमारा, जिसमें इन्होंने पेरियार की वाटर बॉटल, पेरियार का मतलब टॉनिक वाटर, और किंगफिशर सिलेक्ट प्रीमियम बियर रखी हुई हैं दो। और ऊपर वाले सेक्शन में हमारे पास मिल्क के सैशेज हैं और रेडबुल है, कोल्ड ड्रिंक में स्प्राइट और कोको कोला के दो ऑप्शंस हैं। वेडिंग की अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल एक जैसे कि 5-स्टार होटल्स ध्यान रखते हैं बहुत ज़्यादा वेडिंग का, वैसा ही है। वेडिंग इज़ वेरी कंफर्टेबल। हमारे पास कुशन्स हैं, नेक पिलो है एंड दीज आर फेदर पिलोज। हेडबोर्ड काफ़ी अच्छा है, बहुत ब्यूटीफुल है। यहाँ पे हमारे पास एक साइड टेबल है, एक लैंप लगा हुआ है, वी हैव अ टेलीफोन, वाटर बॉटल, एक छोटा सा नोट पैड विद अ पेंसिल एंड अ पिलो मेन्यू। इसमें बहुत सारे पिलोज दे रखे हैं, शिमेरा पिलो, हॉर्स हेयर पिलो, डाउन स्पेशल पिलो, आपको जिस टाइप का पिलो चाहिए यू कैन आस्क द हाउसकीपिंग। एंड फाइनली जो बेड से व्यू आता है दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड, सिटी व्यू मिलता है यहाँ से आपको एंड यू कैन एन्जॉय द सनराइज और द सनसेट एज वेल फ्रॉम हियर। लीला अपनी ज्यादातर प्रॉपर्टीज के बेड साइड ड्रॉअर में रिलीजियस बुक्स रखता है। देन लेट मी शो यू द वॉक इन क्लोजेट एरिया एंड द बाथरूम नाउ। यहाँ पे बस लेफ्ट साइड में कंट्रोल्स दिए हुए हैं अंदर की लाइट्स कंट्रोल करने के लिए, एंड जो चीज आपको सामने दिखती है दैट इज द लगेज सेक्शन। यहाँ पे अपना लगेज स्पेस कर लिए, इनफ स्पेस है फॉर अ फैमिली ऑफ फोर ऑल्सो। इसके अलावा यहाँ पे ड्रॉअर्स दिए हुए हैं, इस ड्रॉअर में सेफ रखी हुई है, सॉरी जो नीचे वाले ड्रॉअर है इसमें हमारे पास लॉन्ड्री बैग्स, ड्राई क्लीनिंग ड्रेसिंग और ये उसी का मेन्यू दिया हुआ है रेट का, दिस इज ऑल्सो एम्प्टी। कमिंग टू द लेफ्ट मैं आपको हैंगर सेक्शन दिखा देता हूँ। मेरे वीडियोस में देख देख के आप समझ गए होंगे कि कौन सा हैंगर किस चीज़ के लिए यूज होता है। ये लग्जरी क्लोथिंग के लिए हैंगर है, इस हैंगर का यूज फॉर कोट्स। ये वाला जो हैंगर है दीज आर जस्ट नॉर्मल हैंगर्स जो नॉर्मल क्लोथिंग के लिए यूज होता है। और दिस हैंगर इज यूज, इसमें क्लिप्स दे रखे हैं हैंगरचिप या फिर उसी टाइप के ऑब्जेक्ट्स को क्लिप करने के लिए और बाकी नॉर्मल क्लोथिंग के लिए। ये हमारा स्कर्ट हैंगर है, इसमें आप स्कर्ट्स वगैरह प्लेस कर सकते हो। कमिंग टू दिस एरिया तो यहाँ पे हमारे पास एक टॉर्च दी हुई है, एक कोट ब्रश दे रखा है, उधर हमारे पास शूज स्पूनर है और इस रॉड का भी आप यूज कर सकते हो हैंग थिंग्स। फाइनली कमिंग डाउन देन दिस इज द शू ट्रे जिसमें हमारे पास शू पॉलिशर है, बाथरूम स्लीपर्स हैं एंड फाइनली वी हैव द शू मेट। लेट मी शो यू द बाथरूम सेक्शन नाउ। एंटर करने से पहले कंट्रोल्स देख लीजिए, लाइट के जो दे रखे हैं इन्होंने, मीडियम हाई एंड लो, आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लीजिए कि आपको लाइट की कैपेसिटी किस हिसाब से चाहिए। प्रॉपर फोर फिक्स्चर बाथरूम है, आपको थोड़ा सा थीम देख के समझ में आ रहा होगा मेरे पुराने वीडियोस में कि लीला के बाथरूम्स ऑलमोस्ट ऐसे ही दिखते हैं। सबसे पहले हमारा वैनिटी एरिया है, मुझे जो ग्रे नाइट है वो काफ़ी अच्छा लगा, टेक्स्चर या थीम आप कह सकते हैं। सबसे पहले जैसे आप इंटर करते हो आपको टॉयलेटरीज दिख जाती हैं, डेंटल किट है हमारे पास, शेविंग किट, शावर कैप और मॉइस्चराइजिंग बॉडी लोशन, हैंड टॉवल्स हैं और नीचे बाथरूम टॉवल्स रखी हुई हैं और कुछ हैंड टॉवल्स और मिरर्स काफ़ी ब्यूटीफुल हैं और कुछ है नहीं खास। बीच में आपको एक कंसोल लगा दिख रहा होगा, यहाँ से आप ऑपरेटर को डायरेक्टली कॉल कर सकते हो, और एक डिजिटल क्लॉक जो चल रही है। लेफ्ट और राइट में हमारे पास लैम्प्स हैं, वॉल लैम्प्स, और ये हमारा क्लोज व्यू मिरर, इसमें लाइट भी जल जाती है यूजिंग अ बटन हियर। और बाथरूम्स हैं, यहाँ पे है एक बाथरूम और एक बाथरूम हमारे पास लेफ्ट साइड में। दिस इज द बाथटब, जस्ट लाइक एनी अदर बाथटब, एक ऑर्डिनरी बाथटब है मेरे हिसाब से। सामने आपको व्यू मिल जाता है चेन्नई सिटी का। कर्टेंस जो दिख रहे हैं आपको, उनको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है कर्टेंस अप एंड डाउन करने के लिए। मैं आपको इधर एक्सप्लेन कर देता हूँ लेफ्ट साइड में क्या रखा है। ये बेथिंग सॉल्ट है, एक छोटी सी हैंड टॉवल, और यहाँ पे हमारे पास कुछ कंट्रोल्स इन्होंने दे रखे हैं, स्पीकर फोन, यहीं से आप ऑपरेटर को कॉल कर सकते हैं। और ये स्पा मूड लाइट आपको दिख रहा है, ये हाई मीडियम लो कर सकते हैं आप इस बाथटब के ऊपर की लाइटिंग को कंट्रोल करने के लिए।
यहाँ पे हमारे पास रेंज चार्ट लगा हुआ है। देखिए लीला में, क्योंकि मैंने ऑलरेडी काफ़ी लीला होटल्स विजिट कर रखे हैं, यहाँ पे ये लोग कुछ ऑप्शंस देते हैं आपको, जिससे जो पानी आता है वो अलग अलग टाइप से आता है। एक मसाज का ऑप्शन इन लोगों ने दे रखा है। इसके अलावा यहाँ पर लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा कि आपको किस टाइप से चाहिए, सो दैट द वाटर कम्स आउट अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस। और ये हमारे पास एक हैंड शावर है। एंड फाइनली द टॉयलेटरीज, जो कई बार आपने लीला में देखी होगी। सो दिस इज द टॉयलेट सीट, और कूलर की टॉयलेट सीट है। यहाँ पे इन्होंने टॉयलेट रोल दे रखा है। एंड दिस इज द टेलीफोन टू कॉल द ऑपरेटर। सेकेंडली यहाँ पे ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मुझे ब्रेकफास्ट बुफे काफ़ी अच्छा लगा। मैंने लीला गोवा के ब्रेकफास्ट को काफ़ी एंजॉय किया था, एंड लीला जयपुर ऑल्सो। तो ब्रेकफास्ट बुफे के मामले में लीला इज डेफिनेटली मेंटेनिंग हाई स्टैंडर्ड।
मेरे पीछे आपको मरीना बीच दिख रहा होगा और प्राइसिंग एक्सप्लेन करने के लिए इससे अच्छा क्या व्यू मिलेगा, मैं आपको रूम कैटेगरीज एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो जो हमारी सबसे स्टार्टिंग रूम कैटेगरी है, दैट इज़ डीलक्स रूम कैटेगरी, ये तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है जो तीन व्यूज़ के साथ आती है, डीलक्स सिटी व्यू रूम, डीलक्स पूल व्यू रूम और डीलक्स सी व्यू रूम। अगर इनके प्राइसेस की बात करें तो स्टार्ट हो जाती है 7000 रुपीज़ से डीलक्स सिटी व्यू रूम, इसमें आप 2000 रुपये बढ़ा दीजिए तो डीलक्स पूल व्यू रूम हो जाता है, और उसमें आप 2000 रुपये बढ़ा दीजिए तो डीलक्स सी व्यू रूम हो जाता है। तो दिस इज़ द लोएस्ट कैटेगरी। इसके बाद अगर हम इसके ऊपर जाते हैं तो हमारे पास आ जाते हैं रॉयल क्लब रूम। रॉयल क्लब रूम की जो कॉस्ट है दैट गोज अराउंड 12,000 to 14,000 रुपीज़। उसके बाद हमारे पास स्वीट्स, एग्जीक्यूटिव स्वीट जो कि हमारा था, और ये वाला जो रूम है इसके दो लेआउट्स हैं एग्जीक्यूटिव स्वीट के। एक ये लेआउट है जिसमें लिविंग रूम अलग से अटैच्ड नहीं दिखता है, और जो दूसरा लेआउट है उसमें लिविंग रूम अलग से है, लिविंग रूम, पाउडर रूम और जैसे स्वीट का फील आपने लिया हुआ है। एग्जीक्यूटिव स्वीट की जो कॉस्ट है इज़ अराउंड 20,000 to 22,000 रुपीज़। इसके बाद है हमारे पास प्रीमियर स्वीट। प्रीमियर स्वीट की कॉस्ट अराउंड चली जाती है 4,000 to 6,000 अबव। उसके बाद हमारे पास आता है रॉयल स्वीट 1 bedroom and 2 bedroom, जिसको यहाँ पे ये लोग जूनियर स्वीट भी बुलाते हैं। उसके बाद है हमारे पास चेयरमैन स्वीट एंड फाइनली वी हैव द प्रेसिडेंशियल स्वीट। सो ये है हायरार्की जिस हिसाब से चलती है। प्राइसेस डायनेमिक हैं, चेंज होते रहते हैं डिपेंडिंग ऑन द ऑक्यूपेंसी, तो आप देख लीजिएगा। एक और चीज़, क्योंकि हमने ऑलरेडी लीला के होटल्स कवर किए हुए हैं तो इनके कुछ ऑफर्स चलते रहते हैं, जिनको ये स्टेकेशन पैकेजेस बुलाते हैं, स्वीट एस्केप पैकेजेस बुलाते हैं, जिसमें आपको स्वीट्स कई बार 10,000, 12,000, 14,000 रुपये में मिल जाते हैं। जो हमारे स्टेकेशन पैकेजेस होते हैं, जैसे हमने लीला में लिया था, तो उसमें आपको कुछ क्रेडिट्स एक्स्ट्रा मिल जाते हैं या फिर कॉकटेल आवर्स कॉम्प्लीमेंट्री हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप वेबसाइट पे देख सकते हैं, इनकी वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। फाइनली अगर मैं अपने वर्डिक्ट की बात करूं, तो जितना मैंने देखा और समझा उस हिसाब से ये प्रॉपर्टी अगर आप लेजर के लिए आ रहे हो तो वन डे इज़ इनफ, बिकॉज कुछ बहुत ज़्यादा गार्डन्स या कोई बीच पे डायरेक्ट एक्सेस अगर कुछ भी नहीं है। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहे हैं तो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स कि आपका पर्पस क्या है और आप कितने दिन रुकना चाहते हैं। सेकेंडली जो है, ये जो प्रॉपर्टी है इससे जो सिटी सेंटर है वो नज़दीक है, पीछे ही है, और बीच के लिए भी एक्सेस आगे से जाके बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, 2 to 3 किलोमीटर्स की रेंज में आपको एक्सेस मिल जाएगा, सो दैट यू कैन कम टू द बीच। तो ओवरऑल दिस इज़ समथिंग विच आई फेल्ट। रेस्ट आपको पूरे वीडियो में आपने चीज़ें देखी हुई हैं कि कौन कौन से रेस्टोरेंट हैं, क्या क्या है। सो नाउ इट्स योर कॉल कि इफ़ यू आर कमिंग टू चेन्नई देन वॉट would be the deciding factor for you to come to Leela Chennai. I believe I could deliver the required information, and if I did, then please like this video, share it with your friends, and agar aap is property mein aaye hue hain ya fir kuch aur valuable feedback hai aapka, then drop in your valuable comments. Press the bell icon just so that jaise ki mere purane Leela ke videos aaye aur ye aaya aur aap tak notification gaya hoga, and do subscribe to my channel, and milte hain kisi aur luxury property ke sath. Bye bye.